कौन पे गाइस, दिस इज पाला ब्रिज एंड आज हमारे साथ है मिस्टर जेम्स भाई। हेलो एवरीवन, आइए चेक करें, बहुत ही गहरा है भाई। हेलो भाई, मोन का पिकनिक होदेस भाई, एकदम होदेस हम बक पक रहे छ। अबे ये भी छ त भाई, स्नूकर क्लब हाम्रो 147 बडा। ए आज बन है, आज बन आज विंग्स ग्रिल्ड है गाइस, ग्रिल्ड जना कोयले में बनाया है। बादल की चादर ये तारों के आंचल। हेलो जी, नमस्ते टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों आप सब कैसे हो? मैं तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइज, आपने ये ब्रिज देख के तो पहचान ही लिया होगा कहाँ है। ये है पाला ब्रिज, दिस इज पाला ब्रिज एंड आज हमारे साथ है मिस्टर जेम्स भाई। हेलो एवरीवन, ये चेक करें गाइज, आज हम ना एक्चुअली पाला रिवर आए हैं। घूमने के बाद हम यहाँ से जाएंगे रैली खोला जाएंगे और वहाँ पे जाके मस्ती करेंगे, थोड़ा सा नहाएंगे भी, है ना, स्विमिंग पूल जाएंगे या खोला जाएंगे ये तो बाद में पता चलेगा वहाँ जाके। अभी फिलहाल मौसम तो सही है भाई। आपको पहले ना ये जो ब्रिज है उसको टूर करवाता हूँ, चलो। ये देखिए गाइस, भयंकर वाला ब्रिज है यार। और यहाँ पे जब गाड़ियाँ आते हैं ना गाइस, तो एक साउंड आता है गट 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 करके, वो भी आपको बाद में दिखाऊंगा मैं, ठीक है। हम जब बाइक में जाएंगे ना तब ऑटोमेटिक साउंड आ जाएगा। और भाई आज क्या करने वाले हो? मस्ती? आज थोड़ा मस्ती, आज मस्ती। थोड़ा शो ऑफ होगा। हाँ, तो गाइस आप सबको पता है मिस्टर कैलिंगपोंग होने के बाद आज हम घूमने के लिए निकले हैं, है ना, बहुत दिन के बाद। भूकंप भूकंप है भाई। एक्चुअली गाइस जो कैलिंगपोंग में है ना वहाँ पे ठंड है, वो ऊपर होने के कारण ना थोड़ा सा ठंड है, लेकिन ये जो है नीचे है तालाब है ना, नीचे नदी, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी। और देखते हैं गाइस बाद में, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं रैली, और रैली में जाके हम नहाएंगे स्विमिंग करेंगे, सब कुछ होगा। और आज ना गाइस एक ये भी है, कॉफ़ी बनाएंगे, कॉफ़ी पियेंगे, उसके बाद मैगी बनाएंगे, मैगी भी पियेंगे भाई। यहाँ पे फिर आता है भूकंप भूकंप। गाइस यहाँ पे ना छोटा मोटा भूकंप आता है यार, जब गाड़ियाँ यहाँ से चलता है, लिटरली यार बहुत ज़्यादा साउंड है। और यहाँ पे ना गाइस ये चेक करें पाला रिवर, और यहाँ पे जो लोग हैं पिकनिक खेलने के लिए आता है, पिकनिक होता है यहाँ पे, एंड गाड़ी वाड़ी वॉश कर रहा है वहाँ पे, कपड़े वपड़े धोने का कार्यक्रम चल रहा है। अब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार प्लेस है। और ये चेक करें गाइस, यहाँ पे छोटा मोटा रेस्टोरेंट कैफ़े है, वहाँ पे आपको खाना वगैरह मिल जाता है। और गाइस ये चेक करें नीचे, और यहाँ पे भी एक सीन आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे एक भयंकर वाला पिकनिक हो रहा है गाइस। ये चेक करें नीचे, पुरिया बन रही है, पुरिया आलू पूरी बन रहा है वहाँ पे, खाने जाने पड़ेगा। लग दूँ भाई, लग दूँ है ना। पाला ब्रिज तो हेरी हाल्नु भयो, एकदमै ज्यादा साउन्ड हुन्छ यहाँनिर गाडी जब कुद्छ, होइन, फुल भ्यू पाला रिभर। तो चलो गाइस, अभी यहाँ से ना हम रैली जाते हैं, और वहाँ जाके हम क्या आज मैगी भी बनाने वाले हैं, कॉफ़ी तो मैं बनाऊंगा, वो खा के पी के नहा के नहाएंगे धोएंगे और फिर जाएंगे घर, ठीक है भाई जेम्स? ओके दा। और भाई हमारे यहाँ ना भयंकर वाला बाइक है, चेक करेगा इस आगे। सो गाइज अभी हम लोग आ पहुँचे हैं रैली रिवर के सामने, एंड ये आगे जो है स्विमिंग पूल, एंड वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं मेरे ख्याल से, लेकिन आज हम ना स्विमिंग पूल नहीं जाएंगे, हम जाएंगे सीधा तालाब। तो चलो गाइज निकलते हैं। Yeah.
चलो तो गाइज हम लोग आ पहुँचे है रैली खोला एंड ये चेक करें गाइज अपना बाइक यहाँ पे पार्क कर दी है। और ना गाइज यहाँ पे जो है अपने भैया लोग ही आए हैं, काफ़ी सारे लोग वहाँ पे हैं, तो देखते हैं अभी जाके मिलते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा हम लोग मस्ती करते उसके बाद देखते कहाँ जाते हैं। ठीक है चलो भाई जुम भाई रेडी सो अल्लाह ठीक है भाई साहब ये चेक करें अपना। और ये ग्रुप ना भाई सब हमारे भैया लोग हैं, कुछ दोस्त हैं कुछ भाई लोग हैं। तो भाई यहाँ से अभी हमें जाना होगा चप्पल खोल के। ओ भाई चप्पल खोले जाने पड़ने से तो भाई पढ़ देना लो यहाँ ये दूंगी ऐसे लग दूंगा होते ना होता लो लेट्स गो। गाइस हुआ क्या पता है, एक्चुअली हमने सोचे थे यहाँ से बिना जूता खोले ही जा पाऊँगा, लेकिन यहाँ पे तो भाई गहरा है। जूता खोल देने बचा चलो भाई अभी जूता खोलते हैं खोल दी और यहाँ पे जूता खोल के फिर हम यहाँ से निकलते हैं। चलो गाइस क्या हो पता है, एक्चुअली ना भैया हमें बता रहे हैं कि जूता नहीं खोलना पड़ेगा, ये आगे थोड़ा सा आगे जाके वहाँ से रास्ता है ऐसा बोल रहे हैं भैया। तो भाई बिना जूता खोले हम लोग उस पार जाएंगे। चलो भाई लौट से भाई कि बैनी सो ये भी है ना। तो भाई यहाँ पे ना स्विमिंग करने के लिए एक मतलब देखिए स्विमिंग पूल का जैसा ही बना है देसी जुगाड़ भाई। यहाँ पे ना गहरा है बहुत, मछली दिख रहा है मछली दिख रहा है यहाँ से, मछली भी पकड़ेंगे। अरे भाई जब हम स्विमिंग करेंगे ना तो मछली तो नहीं मरेंगे ना, मेल से मारेंगे। अबे साले गाइज यहाँ पे ना गाइज भयंकर गहरा है अभी तो, चलो थोड़ा नज़दीक जाके दिखाते हैं आपको। ठीक है एक डाइवर्सन भाई ये चेक करें बहुत ही गहरा है भाई, बाद में स्विमिंग भी करेंगे मेरे ख्याल से, तो फिलहाल के लिए हम ना उस पार जाते हैं पहले। चलो यहाँ से रिक्स नहीं लेते गाइज, यहाँ पे भी ना बहुत ही गहरा है अंदर, अगर फिसल गए ना तो क्या होगा पता है, हेलमेट वगैरह हमने पकड़े हुए ना तो ये डूबने के चांसेस है, और मेरे पास ना ड्रोन भी है। तो यहाँ से जाएंगे गाइस, ये चेक करें यहाँ से आसान है मेरे ख्याल से। ये आगे एक दुकान है गाइस और यहाँ से हमने पानी लिए है। चलो तो अभी पानी को हम यूज करते हैं किस चीज़ के लिए, कॉफ़ी के लिए और मैगी के लिए। मैगी नहीं यार वाई वाई मिला आज, वाई वाई खाएंगे गाइस यहाँ पे ना रॉट है रॉट गाइस। ये ना हमने उड़ते उड़ते पार किया, अभी यहाँ से जाएंगे सर यहाँ से जाएंगे। ठीक है कहाँ उड़ाए हो, चलो तो यहाँ से जाते उड़ना पड़ेगा भाई। चलो 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 भाई ये हो गया कंप्लीट, वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। थोड़ा सा दिमाग लगाना जरूरी है गाइस, दे चेक करें गाइस बिना जूता खोले हम लोग आ पहुंचे इस पार, हम लोग समुद्र पार कर गए। वेरी डेंजरस, समुद्र पार कर गए हमने। और भाई यहाँ पे ना स्विमिंग करना तो जरूरी है मेरे ख्याल से, बाद में करेंगे। अरे गोप्रो को भी ना अंदर डुबाएंगे आज। चलो भाई चलो, अरे यहाँ पे हो रही है पिकनिक अपने भैया लोग ही यहाँ पे। चलो तो फिर मिलते हैं अभी ब्रेक के बाद। सो गाइस अभी यहाँ ही रहते भाई, रखते पिकनिक आए अमरदा बनुदा। हेलो भाई मोहन दा पिकनिक होते सो भाई एकदम होते शाम में, हम मंकी पैक दे सो रहे हैं हम रो या बफ पैक दे सो अभी ये भी सो भाई एकदम अर्ग्यानिक है ना आगो में दामी हो क्लब बढ़ा सब सब जाना ए आज बंद हाई बंद यहाँ सब जाना क्लब को तब को स्पेशली हम हम साथी हाँ सन्चो मजा आई रहा हल्का अलि यहाँ हम भाई तो के हो भाई भाई के हाथ तो मिला न ओके भाई ठीक है आगो बालेको
ले एसी ल्याएको भन्दै छ यहाँ पनि हुनुहुन्छ ऊ मेन अर्गनाइजर ऊ नै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अर्गनाइजर हाम्रो आज हामी पिकनिकमा आएको हाम्रो भाइको ब्लगमा सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् हुन्छ थ्याङ्क यू ल दा इन्जोय गर्दै गर्नु गाइज आपको कैसा लगा ड्रोन का व्यू प्लीज़ कमेंट कर देना आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अभी गाइज यहाँ पे होगी मस्ती। अरे अपना भाई तो शुरू भी कर रहे हैं मस्ती। देखिए मैंने चिकन ये चेक करें ग्रिल चिकन आते ही ना गाइज मेहमान नवाजी हो गया हमारा तो बल्ले बल्ले हो गया भाई तो क्या करें थोड़ा मस्ती करते फिर आपको दिखा दे ठीक है। नहाने के लिए भी जाना है वहाँ पर स्विमिंग भी करेंगे वो भी दिखाऊँगा और यहाँ का नज़ारे ये चेक करें ये ना काफ़ी अच्छा प्लेस है गाइस। यहाँ पे गर्मी भी होता है और काफ़ी सारे लोग ना यहाँ पे आते स्विमिंग करने नहाने के लिए गाड़ी वाड़ी धोने के लिए और आपने ऊपर से तो देख ही लिया बहुत ही अच्छा प्लेस है ना। फिलहाल करते एंजॉय है ना तो भाई तो देखो गाइस ये जोश चली रहा है जोश ब्लैक फील भन्द न यहाँ त केही हुँदैन चलो गाइस आइको न पीने के बाद बोलेंगे फ्लिप मारेगा भाई ठीक है। बहुत ही गहरा है यार वहाँ पे ना कम से कम 10 फुट तो है यार आदमी डूब जाता है। अरे पीछे भाई बहुत ही मस्त पिकनिक चल रहा है गाने से पता चल रहा होगा और यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ ना धोने के लिए भी आते हैं तो गाड़ी बाइक धोने के लिए तो एक नंबर है यार। कालिम्पोंग में अभी ना ये सीज़न पर पानी का थोड़ा सा क्राइसिस रहता है हल्का सा लेकिन लोग ना यहाँ पर आके नहाना धोना तो हो ही जाता है यार। यहाँ पे हो रही है पिकनिक और यहाँ पे है एक दुकान जहाँ पे खाने पीने का सामान सब कुछ मिल जाता है ऊपर भी एक दुकान। अरे अपना भैया लोग का पिकनिक स्पॉट यहाँ पे है तो शुरू होता है देसी स्विमिंग पूल ही कहूँगा मैं इसको ठीक है। और ये चेक करेगा इस लड़का लोग कितना अच्छे से स्विमिंग कर रहा है भाई गौर ना ये चेक करे गाइस जंप भाई भाई तो खो गया यार अंदर ये चेक करे। तो भाई इस तरीके से यहाँ पे ना छुट्टी में आके आप लोग एंजॉय कर सकते हो ये आगे तो बहुत गहरा है यार। तो चलो गाइस हम लोग ना ये स्विमिंग पूल देसी स्विमिंग पूल के सामने आके बैठे भाई का हालत देखो अभी भाई ये क्या है कलर। अरे ये चेक करे गाइस अपना विंग्स जो भानु भैया ने बना के दिया है और भाई भैया लोग के साथ ही अभी पिकनिक थोड़ा सा होंगे उसके बाद फिर हमें तो जाना है जल्दी तो यहाँ से थोड़ा नहा के फिर हम लोग निकलेंगे ठीक है। अरे भाई आपको ना मैं ये दिखाऊंगा यहाँ पे मछली भाई गाइस एक बार अंडर वाटर कर देते हैं अंडर वाटर ठीक है। ये देखो
पानी के अंदर ना गाइस बहुत ही क्लीन आया होगा यार। गाइस जो अभी था वो दिखाया अंडर वाटर, अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ अंदर माउथ। ये चेक करें गाइस, विंग्स ग्रिल्ड है गाइस, ग्रिल्ड ज़्यादा कोयले में बनाया है। भानु भैया थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड ऑफ विंग्स। चलो गाइस इसको पहले टेस्ट करते हैं। ओ भाई साहब मस्त है, टेस्टी है, इसको पहले फटाफट खाते हैं। भूख भी लग रही थी यार, कैसा लगा भाई विंग्स? अच्छा लग रहा है यो, इसके खा के। भानु भैया को क्या बोलना चाहते? भानु भैया थैंक यू, भानु भैया भानु दा को, भानु भैया थैंक यू आपको, थैंक यू इतना अच्छा बनाने के लिए। भोक पनि लागेको थियो हामीलाई हल्का है, मैले खाएको पनि होइन। चलो तो खाने के बाद मिलते हैं अभी। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, थोड़ा सा आजू बाजू देखते हैं भाई कौन कौन है क्या है, है ना। तो अभी हम लोग आप पहुँचे थोड़ा सा आगे, और ये पीछे तो पिकनिक भाई, जगह जगह ना बहुत सारे ग्रुप पिकनिक खेल रहे हैं यहाँ पे, एंजॉय कर रहे हैं। जो चिकन विंग्स था ना गाइस बहुत ही मस्त था, मस्त था ना भाई? मस्त था। और ये बता दो उसके बारे में कुछ। थोड़ा सा लिया है, एवरीडे इसको यूज़ नहीं करते है हम लोग, बट कभी कभार इंजॉय के लिए, इंजॉय के लिए। अच्छा तालाब में आके, सॉरी फॉर एवरीवन, एक वाइब के लिए गाइस, तो थोड़ा सा हो जाता है यार, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, कभी कभी हो जाता है। तो चलो गाइस अभी हम लोग ना थोड़ा सा आगे आके आपको दिखाने के लिए यहाँ पे आए हैं। और ये ऊपर ना स्विमिंग पूल है, आपको अगर प्रॉपर स्विमिंग पूल में जाना है तो ये आगे ऊपर है, जो मैंने पिछले वाले वीडियो में बना रखी है वो चेक करें। तो आज तो भाई स्विमिंग पूल हम गए नहीं, क्योंकि हमें ना तालाब में आना था। अभी पानी भी सूख गया है, सूख गया मीन्स थोड़ा सा कम है, जैसे रेनी सीजन में तो वैसा तो नहीं है, फिर भी अपना ध्यान रखे कभी भी तालाब में आते टाइम, है ना भाई? क्या बोलोगे व्यूअर्स के लिए तालाब में आते टाइम में क्या क्या नहीं करना चाहिए? ज़्यादा मस्ती नहीं करना चाहिए, ज़्यादा मस्ती नहीं करना चाहिए टाइम में। हमको ज़्यादा हिंदी नहीं आता है कि, थोड़ा थोड़ा आता है हिंदी हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए हो। हम लोग भी इंडियन है, हम लोग नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट, हम लोग नॉर्थ ईस्ट है, दार्जिलिंग कालिम्पोंग। सब्सक्राइब कीजिए हो, मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ, मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, बट मैं एक नेचुरल बॉडी बिल्डर हूँ, आप कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। और क्या बोलूँ, मुझे हिंदी नहीं आता, थोड़ा माफ़ कर दीजिए। चलो भाई, भाई का कहने का मतलब ये है कि भाई आप लोग ना कभी भी इंजॉय करने आओ तो ज़्यादा देर रात तक ना रुके इस तालाब में, है एक बात तो वो है। और दूसरी बात क्या है पता है, ज़्यादा ना दारू पी के मस्ती मत करें, एक तो तालाब है भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है, सब कुछ लिमिट में करें, है ना, यही कहना चाहते हो ना? यस था, यही कहना। और भाई है नेचुरल बॉडी बिल्डर भाई, मिस्टर कैलिंगपोंग तो भाई 4-5 बार हो गया है, अभी भाई का होने वाला है और एक बड़ा सा कंटेस्ट, वो भी देख लेना, बाद में आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट ईयर शायद, ठीक है? तो भाई अभी यहाँ से वापस जाने का टाइम हो गया मेरे ख्याल से, और यहाँ पे तो भाई कुछ भी नहीं है आगे, चलो तो वापस चलते, ठीक है? ले बात यहाँ रेडी भयो एकदम, भानु दाले आज को कुक सब क्रेडिट एडवेंचर किंग भानु दा आज को है हेभी भैँसीको मासु पनि हेभी थियो, अन्त त्यो विङ्सहरू पनि दामी, भानु दाले एकदमै आज एक्लै सम्हालिदिइरहेको छ किचन। माया बम्बई जाने रे ला।